आज एक और एक जहाँ पर भाई साहब है उनसे हम बात करना चाहेंगे इस अनिश्चितकालीन धरने के कारण जानना चाहेंगे। नमस्ते साहब। तो ये दोस्तों एडवोकेट है हमारे कोटड़ा ब्लॉक के वकील साहब जी। तो साहब आप कब से इस धरने में शामिल हो रहे हैं? शुरू से इस धरने में साथ में हूँ, इस धरने की योजना बनाने में भी साथ में हूँ और जब तक सरकार मांग नहीं मानती है तब तक साथ में। तो साहब आज मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि आज अनिश्चितकालीन जो धरना है इनके लगभग 4 दिन हो चुके हैं। तो मैंने ये भी जाना है कि सरकार आपकी जो मांगे हैं, वाजिब मांगे हैं, उन मांगों को स्वीकार नहीं कर रही है और नहीं आपकी कोई बात सुन रही है। तो आप आगे मतलब ऐसा क्या करेंगे ताकि आपकी जो सरकार है वो आपकी बात सुने जल्द से जल्द? तो हम पूरे क्षेत्र में सारे जनप्रतिनिधियों को धरना घटना से इस जो बांध से विस्थापित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, उसके अलावा भी क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि सामाजिक कार्यकर्ता हैं संगठन हैं उनसे भी बात करेंगे, नगर से भी बाजार से भी बात करेंगे, सारे लोगों की